खबर जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नागदा के समीप ग्राम टुमनी घाट में ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। अंबाराम पिता राम सिंह की हालत बीमारी की वजह से बहुत ही खराब थी। जाति से भील समुदाय के थे। ग्राम के चंद्रवंशी लोगों की मदद से बीमार व्यक्ति को चारपाई पर रखकर खाल पार करवाते। ग्रामीणों ने खाल में बहुत पानी होने पर भी गाँव के सभी लड़कों ने अंबाराम को खाल पार करवाया। 15 सालों से रास्ता बहुत ही ज्यादा व गंभीर रूप से खराब है। चारों ओर कीचड़ होने के कारण आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रास्ता खराब होने के कारण बीमार व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और अंबाराम की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच सुनते नहीं हैं, केवल वोट लेने आ जाते हैं और मंदिर पर कसम खाते हैं कि हम रोड बनवा देंगे। रोड बनाना तो दूर बल्कि रोड के पैसे आए हुए सरपंच निकाल कर खा गए हैं। ग्रामीणों को अब प्रशासन से उम्मीद है कि वहीं इन ग्रामीणों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें इस परेशानी से उबारने का प्रयास करेंगे। सर, कल एक भीलसोड़ा ग्राम की घटना थी जिसमें एक बुजुर्ग को चारपाई पर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, क्या था सर मामला, उस पर आपका आवेदन भी दिया सर ग्रामवासियों ने? गांव वालों ने हमें कल ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस मरीज की मौत हो गई। एक्चुअल भीलसोड़ा से हमारा जो नागदा रोड है वो कच्चा है, पक्का नहीं होने के कारण वहाँ कीचड़ की काफ़ी दिक्कत है और वो बारिश के बाद ही हल हो सकती है। यदि हमें ये खबर हो जाती कि वो व्यक्ति बीमार है और एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो हम डॉक्टर से एम्बुलेंस वहाँ भिजवा देते, पर उन्होंने हमें खबर नहीं करते हुए उस व्यक्ति को यहाँ नागदा लाए, पर बीच में ही उसकी डेथ हो गई। सर, उन लोगों का आरोप है सरपंच के ऊपर, लेकिन उनकी सर एक उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद करेगा? बिल्कुल करेंगे। उन्होंने जो ज्ञापन में सरपंच के विरुद्ध लिखा है मैं उसकी जाँच कराऊँगा और निश्चित रूप से सरपंच दोषी होगा तो कार्रवाई भी होगी। खबर समय जगत के लिए नागदा से अक्षय रावल की रिपोर्ट।